छिंदवाड़ा जिले के सिंगोड़ी नगर में नवरात्र प्रारंभ होने पर नगर के प्रसिद्ध मूर्तिकार पवन प्रजापति ने ग्राम सिंगोड़ी में माता रानी की एक से बढ़कर एक आकर्षक और मनमोहक दुर्गा प्रतिमाओं का निर्माण किया है, जिसके आकर्षक स्वरूप को देखने के लिए आसपास के क्षेत्र से अनेक लोग पहुंच रहे हैं। वहीं छिंदवाड़ा जिले सहित आसपास के जिले नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, शिवनी सहित विभिन्न क्षेत्रों से और जिलों से लोग यहां दुर्गा प्रतिमाएं देखने पहुंच रहे हैं। लोगों ने माता रानी की मूर्ति को विराजित किया है। सिंगोड़ी के प्रसिद्ध मूर्तिकार पवन राजेंद्र प्रजापति ने यह बताया है कि कोरोना ने लोगों को जीना सिखा दिया है, किंतु बहुत से लोगों के परिवार के सदस्यों को खोने के चलते चेहरे पर मायूसी देखने को मिलती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए माता रानी के मनमोहक हंसमुख चेहरे वाली दुर्गा प्रतिमा इस बार मैंने बनाई है, जिससे लोग मूर्ति को देखकर अपने गमों को भूलकर छोटी सी जिंदगी को खुशी और हंसी के साथ बिता सके। बार अलग अलग जिलों में गई हूँ और पिछले बार जो मूर्ति हमने बनाई थी हंसमुख, उससे लोगों के अंदर एक अलग भावना उत्पन्न हुई। उससे लोग ने कोरोना काल में माता रानी का ये उद्देश्य रहा कि कोरोना काल में हंसमुख चेहरे मतलब हंसते मुस्कुराते रहो, तो ये उद्देश्य ने अभी इस बार बहुत सारी मूर्ति बनी 25-30 जो अलग अलग जगह गई। छिंदवाड़ा है, नरसिंहपुर है, अपना सिवनी जिला है और फिर मुलताई है, अपना होशंगाबाद, तो काफ़ी अलग अलग जगह गई है। नवरात्रि में यही संदेश है कि माता रानी हंस रही है, मतलब हंसने का उद्देश्य यही है कि छोटी सी जिंदगी में हंसना और मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, इसी उद्देश्य। और अपने कोरोना काल में जो उदास हुई ये जिंदगी है, तो उसमें माता रानी हंसने का एक अवसर प्रदान करती है।